वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर डूइंग गुड। आज की रेसिपी है फिश बिरयानी। बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। पहले हम फिश का मसाला प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, 3 टीस्पून कोकम सिरप। अगर आपके पास कोकम सिरप नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, बट कोकम सिरप ऐड करने से जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि आप कोकम सिरप ही ऐड करें, मार्केट में इजीली मिल जाता है। बहुत ही अच्छे से मसाले को मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पर हलवा फिश यूज़ किया है, आप अपनी कोई भी मनपसंद की फिश ले सकते हैं। स्लाइस में कट करने के बाद आप सारे ही पीसेस पे मसाले को ऐड कर लें, बहुत ही अच्छे से आपको स्प्रेड आउट कर लेना है। बहुत ही बढ़िया सा मसाला है, आप इसे मैरिनेट कर लें 1/2 आवर के लिए, बट अगर आपके पास टाइम कम है, आपको फौरन बनाना है, तो आप बिना मैरिनेशन के भी इसे बना सकते हैं। सारे ही फिश के पीसेस में मैंने मसालों को लगा लिया है, अब मैं इसे शैलो फ्राई कर लूँगी। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक के आपको इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है, और अगर जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी याद से दबा दें। हम इसे फ्लिप कर लेंगे, सारे ही पीसेस को आपको फ्लिप कर लेना है। इसी तरीके से हमें सारे ही फिश के पीसेस को फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इट्स ऑल डन। बहुत ही परफेक्टली हमारी फिश के पीसेस फ्राई हो चुकी है। अब मैं बिरयानी का मसाला प्रिपेयर कर लूँगी, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम्स कुकिंग ऑयल ले लिया है। जब वो हीट अप हो जाए, 3 टीस्पून जितना आपको इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना है, और इसे बहुत ही अच्छे से हमें भून लेना है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि अदरक लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो निकल जाता है। ये देखिए, हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें 4 टमाटर चॉप किए हुए ऐड कर लूँगी, 4 से 5 हरी मिर्च स्लिट करके इसमें ऐड कर लें, और इसे 5 मिनट के लिए भून लें। हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक के इसे भून लेना है। देखिए, टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, नमक एज पर योर टेस्ट ऐड कर लें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अखा जीरा ऐड करके इसे दोबारा भून लें। हमें इसे मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनना है, ताकि कच्चापन जितना भी है सारे इंग्रेडिएंट्स का वो निकल जाए। बहुत ही बढ़िया सा मसाला बनके प्रिपेयर होता है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लें। जब मसाला अच्छे से भून जाए, हमें इसमें चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, कोथमीर जिसे हम कहते हैं, और कड़ी पत्ता और 1 नींबू का रस ऐड कर लेना है। मेक श्योर आप इसकी सीड्स निकाल लें। ये सब इसमें ऐड करके इसे आपको दोबारा भून लेना है। जैसे ही तेल ऊपर सरफेस पे आ जाए, समझ जाए आपका मसाला हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 1 kg जितना बासमती राइस बॉईल करने के लिए रख ली हूँ, जिसमें मैंने पानी ऐड कर लिया है, 3 टीस्पून नमक ऐड कर लें, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लें, और इसे बहुत ही अच्छे से पका लें। जब हम चिकन मटन की बिरयानी बनाते हैं, हम राइस को थोड़ा सा कच्चा रखते हैं, बट ये फिश बिरयानी है और फिश ऑलरेडी हमने फ्राई कर ली है, तो हमें राइस को ज़्यादा कच्चा नहीं रखना है, एक स्लाइट हल्का सा कच्चा रखना है, क्योंकि वो जब हम दम करेंगे तब उसमें वो पक जाएगा। जिस वेसल में आपको बिरयानी बनानी है, उसमें जो हमने बिरयानी का मसाला प्रिपेयर किया था वो ऐड कर लें, और 100 ग्राम जितना ब्रिस्ता फ्राइड अनियन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले को अच्छे से वेसल में आप स्प्रेड आउट करके
जो बॉईल किया हुआ राइस है उसे आप निथाड़ लें और इसमें ऐड कर लें। राइस को हमें 2 लेयर्स में ऐड करना है, तो आप अकॉर्डिंगली क्वांटिटी इसमें ऐड करें। फर्स्ट लेयर हमारा बिरयानी का मसाला हो गया, उसके ऊपर हम बॉइल्ड राइस ऐड कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया सी बिरयानी बनके रेडी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इस पे जो फिश पीसेस हमने फ्राई किए थे वो हम इस पे रख लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी बिरयानी दिख रही है और यकीन मानिए खाने में उससे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा टेस्ट आता है इसका। ऊपर से हम दोबारा एक बार बॉइल किया हुआ राइस का लेयर ऐड कर लेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी है। अच्छे से ऐड कर लें आप राइस का लेयर इस पे और देसी घी ऊपर से ऐड कर लें, क्योंकि जो एक देसी घी का फ्लेवर आता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा लगता है। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे फ्राइड अनियन ऐड किया है ऊपर से। ऑल ओवर आप फ्राइड अनियन ऐड कर लें और मैंने यहाँ पे केसर को थोड़े से पानी में सोक कर लिया था 5-10 मिनट्स के लिए, वो आप ऊपर से इसमें ऐड कर लें। और बिरयानी को हमें हाफ एन आवर के लिए दम कर लेना है और निकालते समय हमें बस इतना ख्याल रखना है कि जो हमारा फिश का पीसेस है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। हल्के हाथ से आपको बिरयानी का राइस ऊपर से हटाना है। नीचे से आपको पहले मसाला निकाल लेना है, राइस निकाल लेना है और हमारी फिश के पीसेस को ऊपर से इस तरीके से प्लेस कर लेना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द शेयर, याद से करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट होममेड इज़ द हेल्दीएस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर अ लॉट।